क्या आप भी गरीना फ्री फायर में डेजर्ट ईगल और M500 से ओपी वाले वन टैप हेडशॉट मारना चाहते हैं तो आज इस वीडियो को एंड तक बिना स्किप किए पूरा देखना है। तो हेलो 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 भाई लोग, कैसे हो आप सब लोग। स्वागत है आप सबका एक बार फिर से हमारे बिल्कुल नए वीडियो में। और गाइस, सबसे पहले तो थैंक यू सो मच फॉर 700 के फैमिली, बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का सब्सक्राइब करके मुझे इतना सपोर्ट दिखाने के लिए। हालांकि चैनल थोड़ी अप एंड डाउन चल रही है, मगर फिर भी आप लोगों के बिना यार ये पॉसिबल नहीं है। तो थैंक यू सो मच एवरीवन, जिन लोगों ने भी वीडियो देखे, सब्सक्राइब किया है या नहीं किया है, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। तो गाइस, आज इस वीडियो में मैं आपको तीन चीज़ें बताने वाला हूँ। सबसे पहला तो ड्रैग डिस्टेंस किसे कहते हैं। अगर आपको डायरेक्ट डिस्टेंस प्रॉपर जज करना आ गया तो आप किसी भी गन से बहुत अच्छे हेडशॉट्स मार सकते हो अलग अलग रेंज के अंदर, ठीक है। दूसरा, मैं आपको बताऊंगा कि आप किस तरह से डेजर्ट ईगल का रिकॉइल कंट्रोल कर सकते हो। आपको पता होगा कि डेजर्ट ईगल की बहुत सारी गोलियां एम सर पे होने के बाद भी सर पे नहीं लगती है, ठीक है। और तीसरा, एट दी एंड मैं आपको बताऊंगा एक मस्त वाली निंजा टेक्निक जिससे आप डेजर्ट ईगल और M500 से एकदम मक्खन की तरह हेडशॉट मार पाओगे। तो वीडियो को एंड तक देखना है, कहीं भी स्किप नहीं करना है। तो गाइस, सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि ड्रैग डिस्टेंस किसे कहते हैं। तो आप जब भी किसी भी बंदे को वन टैप मारने के लिए जाते हो तो हर बार वो बंदा एक ही डिस्टेंस पे आपको मिले ऐसा नहीं होता है। कई बार वो बंदा बहुत दूर होता है, कई बार वो बंदा एकदम नज़दीक होता है। तो आपको जो बंदा है उसको आपकी कंफर्टेबल रेंज के अंदर रखना है। अब ये कैसे करना है ना, उसको समझने के लिए आपको ड्रैग डिस्टेंस समझना है। तो यहाँ पर मैं आपको एग्जांपल देके समझा रहा हूँ कि अगर बंदा आपसे कुछ ज़्यादा ही दूर है तो आपको जब भी उसको वन टैप मारना है तो आपको थोड़ा ही खींचना पड़ेगा जिससे आपकी फायर लाइन है वो सीधी उसके हेड पे चली जाएगी। अब वो बंदा जैसे जैसे नज़दीक आता जाएगा आपको ड्रैग करने का जो अमाउंट है और ड्रैग करने की जो स्पीड है वो दोनों बढ़ानी पड़ेगी। और बंदा एकदम नज़दीक होगा तो आपको एकदम झटके से वन टैप मारना पड़ेगा। और एक लिमिट के बाद बंदा अगर ज़्यादा नज़दीक आ गया तो आपके वन टैप कभी लगेंगे ही नहीं। अगर डायरेक्ट हेड पे एम आ गया तो लग जाएगा, नीचे से ऊपर खींच के आपके नहीं लगेंगे। ये चीज़ आपने भी नोटिस की है, ठीक है। तो ये जो पूरा सीन है इसको ड्रैग डिस्टेंस बोला जाता है। तो गाइस, जब बंदा बहुत दूर होता है ना तो बहुत बार ऐसा होता है कि आपका एम बंदे पे चिपकता नहीं और आप ऊपर खींच देते हो, जिसके कारण आपका जो एम है वो हवा में चला जाता है। बंदे को पता चल जाता है कि आप कहां पर हो और बंदा आप एम सही करो उससे पहले आपको बहुत सारा डैमेज दे देता है या फिर आपको मार देता है, ठीक है। तो उस सिचुएशन से बचने के लिए आपको अपना एम परफेक्ट करना पड़ता है। तो एम को परफेक्ट करने के लिए अगर आपको एक डेडिकेटेड वीडियो चाहिए जिससे आप ड्रैग हेडशॉट वन टैप हेडशॉट के लिए अपना एम परफेक्टली एनिमी पे लॉक कर पाओ तो आपको इस वीडियो के ऊपर 15,000 लाइक्स कंप्लीट करने हैं। और उसी के साथ साथ आपको कमेंट में मुझे बताना है कि आपके कितनी गन पे वन टैप हेडशॉट लगते हैं, कितनी गन पे ड्रैग हेडशॉट लगते हैं और कितनी गन पे नहीं लग रहे हैं जिसके ऊपर आप अभी काम कर रहे हो और सीख रहे हैं, ठीक है। ये चीज़ आपको मुझे कमेंट में बतानी है। और अगर टोटल 4,000 कमेंट्स हो जाती है और 15,000 लाइक्स हो जाते हैं तो मैं कल नहीं और परसों सुबह में ये वीडियो डाल दूंगा कि आपको अपना एम परफेक्ट किस तरह से करना है। अब गाइस, सिर्फ लाइक और कमेंट करने से आपको पता तो नहीं चलने वाला है कि मैंने वीडियो डाला है कि नहीं डाला है। तो आपको लाल कलर का सब्सक्राइब का बटन दबाना है, बेल आइकन क्लिक करके ऑल सेलेक्ट कर लेना है ताकि मैं जब भी वीडियो डालूँ ना आपको फटाक से नोटिफिकेशन मिल जाए, मतलब कि परफेक्ट एम वाला वीडियो सबसे पहले आके आप यहाँ पे देख पाओ। तो गाइस, अब मैं आपको समझाता हूँ कि आपको डेजर्ट ईगल का रिकॉइल किस तरह से कंट्रोल करना है। तो सिंपल सी चीज़ है, दो टेक्निक है जिससे आप डेजर्ट ईगल का रिकॉइल कंट्रोल कर सकते हो। सबसे पहली ट्रिक है, उसका नाम है कैरेक्टर कॉम्बिनेशन, मतलब आपको दशा नाम का जो कैरेक्टर है उसको यूज़ करना है। वो ओवरऑल हर गन का रिकॉइल कम कर देती है, डेजर्ट ईगल का भी रिकॉइल काफ़ी हद तक कम कर देती है। तो आप जब भी दशा को यूज़ करोगे तो आपका रिकॉइल ऑटोमेटिकली 8% से 10% जितना कम हो जाएगा, जो कि लॉन्ग रेंज में आपको बहुत ज़्यादा फायदा देगा। और ईगल से नॉर्मली आप मीडियम और लॉन्ग रेंज में ही वन टैप हेडशॉट्स मारते हो। अब गाइस, जो दूसरी टेक्निक है ना उसका नाम है स्टेडी फायर। मतलब मैंने ये अपने कंपैरिजन वीडियोस में, गन कंपैरिजन में बहुत टाइम से बताया है कि जब आप चलते चलते फायर करते हो तो आपका रिकॉइल ऑलमोस्ट डबल हो जाता है। तो आप जब भी चलते चलते डेजर्ट ईगल से वन टैप मारने की ट्राई करोगे तो 99% आपके वन टैप हेडशॉट नहीं लगेंगे। तो आपको ऑलवेज एक जगह पे खड़ा होके वन टैप मारना है, फिर तुरंत गन स्विच करके भाग जाना है। मतलब कि भागते भागते खड़े रहो, वन टैप मारो, फिर वापस भागना स्टार्ट कर दो, जैसे मैं बैकग्राउंड में कर रहा हूँ। तो इस तरह का गेम प्ले आप करोगे तो आपको मूवमेंट स्पीड भी बहुत अच्छी मिलेगी और आपके वन टैप भी बहुत ही ओपी लगेंगे और आपका रिकॉइल ऑलमोस्ट जीरो हो जाएगा।
तो गाइस अब आपको मैं बताता हूँ निंजा टेक्निक जिससे आपके वन टैप एकदम ओपी वाले लगेंगे। तो वो टेक्निक है रेंज कैलकुलेशन, मतलब कि आपको आपके एनिमी को एक पर्टिकुलर रेंज के अंदर रखना है जिस रेंज के अंदर आप M500 और डेजर्ट ईगल से वन टैप मार सको। देखो हर एक बंदे की रेंज अलग अलग होती है, कुछ बंदे ज़्यादा नज़दीक से भी मार पाते हैं, कुछ बंदे दूर से मार पाते हैं। तो आपको पता है कि आपको आपके एनिमी को वन टैप मारना है, मतलब आपके पास M500 या डेजर्ट ईगल है, तो आपको एनिमी को एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पे रखना है। यहाँ पर मैं जिस डिस्टेंस से वन टैप मार सकता हूँ मैं उतने डिस्टेंस पे ही बंदे को रखता हूँ। अगर बंदा ज़्यादा नज़दीक आ जाएगा तो उसके बॉडी पे मेरा एम लॉक हो जाएगा, और अगर बंदा ज़्यादा दूर चला जाएगा तो रिकॉइल के कारण जो गोली है वो उसके सर के ऊपर से चली जाएगी। तो आपको खुद की पोजीशन उसी तरह से करनी है जिस तरह से आप उस बंदे को आसानी से वन टैप हेडशॉट मार सको। अब गाइस लास्ट में मैंने जो आपको टिप बताई ना, वो टिप आपको सिर्फ प्रैक्टिस से ही पता चल सकती है। और अभी शायद बहुत सारे बंदों को ऐसा लगता होगा कि ये चीज़ तो हमको पहले से पता थी, पर ऐसा नहीं है गाइस। एक बार आप रेंज पे ध्यान दोगे फिर आपको खुद को पता चलेगा कि आप कितनी छोटी छोटी मिस्टेक्स कर रहे थे जिसके कारण आपके वन टैप हेडशॉट्स नहीं लग रहे थे। तो आई होप कि इस वीडियो के अंदर आपको कुछ नया सीखने को मिला होगा। तो अगर वीडियो पसंद आया तो यार वीडियो को लाइक कर देना, अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर देना, और अपने 3 दोस्तों को वीडियो शेयर कर देना ताकि वो भी आपके स्क्वाड में आए तो आपके साथ वन टैप हेडशॉट मार सके। मैं आपको बोलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर एंड बी हैप्पी।